नमस्कार दोस्तों, ये मेरे पास एक सैमसंग का टीवी आया है। इसमें नो डिस्प्ले था, बैक लाइट ऑन हो रही थी, बाकी इसके वीजीएल तो बन रहे थे, वीजीएच वगैरह और टीसी ऐसी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, इस जगह कट किया, काम नहीं बना, शॉर्टिंग भी कहीं नहीं थी। तो फिर मैंने इसको मैन्युअली इसको डीसी टू डीसी आईसी को ऑन करके देखा तो सारे वोल्टेज बन गए। तो मुझे पता लग गया कि ये हमारे ईप्रोम में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं हो रहे थे डीसी टू डीसी आईसी को ऑन करने के लिए। फिर मैंने दूसरे स्केलर से, ये मेरे पास एक स्केलर पड़ा हुआ है CM508 का, तो इसकी मैंने ईप्रोम लगाई तो सेट ऑन हो गया, मगर बार्स आ रहे थे। तो फिर मेरे पास एक टीवी पड़ा है, मैंने बहुत पहले इसको रिपेयर किया था, तो उसके अंदर ये ईप्रोम यही वाला स्केलर मैंने डायरेक्टली लगा दिया था इंटेक्स में। तो मैंने उसका ईप्रोम निकाल के रीड किया और फिर इसमें राइट करके लगा दिया और सेट ऑन हो गया, और इसकी मेमोरी भी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है ये। मगर मैंने उसमें मेमोरी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे इसे डीसी डीसी को ऑन करना था, तो मैंने उसको मैन्युअली ऑन कर दिया और उसमें मेरा काम चल गया। और ये ईप्रोम मैंने निकाल के रख लिए बैकअप के तौर पे, और सेट ऑन हो गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं अभी दूसरा वीडियो आपको दिखा दूँगा। तो ये देखिए, ये सेट ऑन हो गया, बस ये लाइनिंग आ रही है इसमें, ये इस साइड में लाइनिंग आ रही है, बाकी सेट मेरा ओके हो गया। और ये अभी सर्विस रिमोट से थोड़ा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैपिंग टाइप में आ रहा है। तो हमारा सेट जो है वो ओके हो गया और सारे वोल्टेज बन गए। मैंने कई दोस्तों से इसका सॉफ्टवेयर मांगा तो मिला नहीं मुझे, और टेलीग्राम पे भी इसका सॉफ्टवेयर नहीं था। तो अब मेरा सेट ओके हो गया है। ये एक बार आ रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, बाकी प्रॉपर हो गया है। मेरे पास इसका रिमोट नहीं है, जिसकी वजह से सर्विस मीनू ना खोल के मैं इसका मैन्युअली मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया। ये देखिए, यहाँ से बाहर ले जाके मैं जोड़ दिया, और ये मेरा मैपिंग से जो फॉल्ट बन रहा था वो सॉल्व हो गया।